वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, आपकी सेहत के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और आज हम हाई ब्लड प्रेशर को भी डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल फिजिशियन हैं डॉक्टर आतिफ चौधरी, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर आतिफ, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम हाई ब्लड प्रेशर को डिस्कस करें, है क्या ये? अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है सोसाइटी के अंदर, और सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, हमारे माशरे में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक डिज़ीज़ है जिसे पूरी की पूरी दुनिया बर्दाश्त कर रही है। हाई ब्लड प्रेशर है क्या? आपके जिस्म के अंदर जो आपकी खून की नालियाँ हैं उसके अंदर एक अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है, ख़ास प्रेशर से वो पूरी बॉडी के अंदर रन करती हैं। अगर वो उससे ज़्यादा हो जाए तो वो प्रेशर, ब्लड का प्रेशर दिमाग के ऊपर, नालियों के ऊपर और जिस्म के डिफरेंट जो अज़ा हैं उसके ऊपर असर करता है, उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। उसकी ख़ास वैल्यू है, हम डॉक्टर उसकी ख़ास वैल्यू लेते हैं, वो है 80 से लेके 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये हमने रेंज रखी हुई है जिसे हम तसव्वुर करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड का जो प्रेशर है नालियों के अंदर है तो ये नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा है तो उसकी कैटेगरीज़ हैं कि कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से हम उसे हाई ब्लड प्रेशर लेबल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर की बात कीजिए तो वजूहात क्या हैं? बेसिकली जेनेटिक भी होता है, क्या सूरत हाल है इस पर बात? देखिए, सबसे पहले वजूहात हमारे लाइफस्टाइल के अंदर ही मौजूद हैं। सही। हाई ब्लड प्रेशर की भी वजूहात वही हैं कि जो हम खाना खाते हैं, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो वो हाई रिच फैट रिच खाना खाते हैं वो एक बहुत बड़ी रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर की। साथ हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हम हर वक्त बैठे रहते हैं और हमारा जो हमारा लाइफस्टाइल है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, हम चलना पसंद नहीं करते, वो भी एक रीज़न है। फिर एक जो मेजर रीज़न है वो है हमारा जो सोचने का अंदाज़ है, हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, हम हमारी एज अ सोसाइटी हमारी आदत बन चुकी है कि हम पॉजिटिव नहीं सोचते, वो हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी इस ब्लड प्रेशर के ऊपर असरअंदाज होती है। एज फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर भी है। जेनेटिक फैक्टर अगर आप एक किसी हाई ब्लड प्रेशर किसी फैमिली में रन कर रहा है तो उसके चांसेस हैं कि जो उनके बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर आते हैं, बहुत यंग एज में भी ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया, इसकी क्या वजह है? देखिए, उसकी कई रीजन्स हैं, कुछ जेनेटिक रीजन्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि ब्लड प्रेशर काज करती हैं। अच्छा। ब्लड प्रेशर उनकी एक सिम्टम है। अच्छा। तो वो एक जो जवानी के अंदर का ब्लड प्रेशर है तो हमें एक रूटीन का जो ब्लड प्रेशर है उसे हट के भी हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं, कुछ देखना एग्जामिन करना होता है कि कहीं मरीज को वो ब्लड प्रेशर की वजह से वो बीमारी तो नहीं है जो कि हम यंग एज में होती है। और एक है कि जो नॉर्मल लाइफ में आता है जेनेटिक्स की वजह से, आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी फूड की वजह से, जो कि उमूमन ओल्ड एज के अंदर मिडिल एज में ये मरीज को होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट की बात की जाए डाइट के जरिए, कुछ लोगों को आदत होती है कि दवाई बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाते हैं और फॉर द लॉन्गर रन और ज़्यादा टाइम के लिए भी शुरू करते रहते हैं, उस हवाले से भी बताएं। लेकिन हम जितनी भी दफ़ा आपके प्रोग्राम में आए तो हमने एक बात बड़ी कॉमनली हमने स्ट्रेस दे के कही है कि वो फूड। देखिए, हम बहुत आदि हो गए हैं, स्पेशली लाहौरी तो बहुत ज़्यादा आदि हो गए हैं कि वो चटपटी वो चीज़ें खाने के, कि वो तली हुई चीज़ें खाते हैं, हाई फैट वो फूड खाते हैं, इससे परहेज़ करना पड़ेगा। ज़्यादा नमक से ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नाली के अंदर जो ब्लड प्रेशर, नालियों के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा वो जोश में आता है। आपको नमक से परहेज़ करना पड़ेगा। हम बहुत हाई साल्ट फूड खाते हैं, हम मिर्ची बहुत तेज खाने में डले भी हैं तो ऊपर भी डालना है अलग से नमक। अगर बेहतर है कि अगर आप काली मिर्च यूज करें बजाय कि आप रेड मिर्च यूज करने के, तो वो काफी हद तक फायदा दे सकता है। हम देखें वो सोसाइटीज जिनके अंदर फूड का कंट्रोल है, साल्ट कम खाती हैं जो सोसाइटीज, उनके अंदर ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो कम है। हम लाहौरियों के अंदर बहुत ज्यादा है, उसकी एक वजह है कि हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। साथ हमारा जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल है ये एक बहुत बड़ी रीजन है। हम आदि हो चुके हैं कि हम हर काम चेयर के ऊपर बैठ के करने के, हम घर से निकलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से निकलते हैं ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं, हमारी पूरी दिन की रूटीन के अंदर कहीं भी एक आधे घंटे की जो एक्सरसाइज होती है वो हमारे प्लान में नहीं होती है, और वही एक्सरसाइज और वही फूड देखें आपकी अपनी अपनी ज़ात के लिए। आप काम करते हो किसके लिए करते हैं? आप अगर कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं? आपके लिए क्या है आपकी लाइफ में, एक दिन की लाइफ में आपके लिए क्या है? वो है जो आप खाते हैं और जो है वो अपने ऊपर लगाते हैं। ना टाइम अपने आप को हम स्पेंड करते अपने ऊपर स्पेंड करते हैं, ना हम अच्छी फूड खुद खाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम कंट्रोल कर लें तो सिर्फ लाइफस्टाइल से हम 70-80% ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर स्टेजेस होती हैं,
जैसे वो इनिशियल स्टेज होती है, मैलिग्नेंट स्टेज होती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर है तो आप लाइफस्टाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं और हल्की मेडिसिन के साथ भी। लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर 180 अबव रहना शुरू हो गया है, तो फिर एक डॉक्टर आपको मकम्मल रजीम पे डालेगा मेडिसिन की, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। लेकिन इसके लिए भी वही जो हर दफ़ा हम स्ट्रेस करते हैं कि कोई भी मरीज़ किसी भी ब्लड प्रेशर के लिए खुद दवाई लेने की कोशिश ना करें। अपने डॉक्टर के पास जाए, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करे, 3 दिन का रिकॉर्ड मेंटेन करे, सुबह और शाम का, कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है, वो रिकॉर्ड डॉक्टर के पास लेके जाए और वही मेडिसिन खाए जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। डॉक्टर आतिफ, समटाइम्स ब्लड प्रेशर जो है बॉडी के और पार्ट्स पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है, उस हवाले से भी गाइड कीजिएगा। किडनीज की बात कीजिए, उनको भी आता है ऐसा? अब देखिए, अगर ब्लड प्रेशर अगर मैलिग्नेंट फेज में चला गया, लेट्स सपोज 160 से अबव, 180 से अबव चला गया, तो वो आपकी बॉडी के हर अज़ा के ऊपर असर डालेगा, दिमाग से लेके आपके किडनीज तक, आपके हार्ट तक। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कुछ लोग अजीब सी वो हरकतें करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, इरिटेटिंग हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो आपका जो ब्लड प्रेशर, आपका जो प्रेशर डेवलप हो रहा होता है आपकी नालियों के अंदर, वो नालियाँ जो दिमाग के अंदर हैं वो आपके अफेक्ट कर रही हैं आपके ब्रेन को। फिर आपका जो हार्ट की जो मेजर डिजीजेज हैं उसका बहुत सारा ताल्लुक आपके ब्लड प्रेशर के साथ है। आपका किडनी डैमेज होते हैं, आपकी किडनी फेलियर हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। यानी कि एक सिर्फ नालियों के अंदर जो हम खून का जो बहाव है वो अगर मेंटेन कर लें तो, और करना बहुत आसान है, इनिशियली करना बहुत आसान है, अगर वो मेंटेन कर लें तो हम बुढ़ापे के अंदर या लेट एज के अंदर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिससे हम बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर आतिफ, रिस्क कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, एक तो जेनेटिक फैक्टर है, वो ये भी एक रिस्क फैक्टर है बहुत बड़ा। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है, हमारी फूड रिस्क फैक्टर है। जब हम जवानी के अंदर जब जवान होते हैं, हम ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, हमारा ऐसा लाइफस्टाइल होता है कि हम उस टाइम महसूस नहीं कर पाते कि ये आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या परेशानियां लेके आएगा। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको इसके जितनी कॉजेज बताई हैं, ये सारी रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम इनसे बाहर निकल आएँ तो इसके रिस्क फैक्टर से बाहर निकल आएंगे और डेफिनेटली ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, जो मेडिसिन है, मेडिकेशन है, उस पर कितना अवॉइड होना चाहिए और पहले ही कोशिश करनी चाहिए किसको? क्या ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि इसको स्टॉप किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, या अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो सिर्फ इसका कंट्रोल करना ही पॉसिबल है? देखिए, इनिशियल स्टेज के अंदर एक अगर मरीज 120 से लेके 140 तक है तो आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से उसे एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बढ़ गया है, अगर 140 से अबव चला गया और कंटिन्यूसली अबव 40 चला गया है, तो फिर उसको मेडिसिन के साथ और लाइफस्टाइल के साथ मेंटेन करना पड़ता है, फिर उसको खत्म करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर आतिफ, आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? उसमें ब्लड प्रेशर है उसके अंदर मेरी आम आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा, आप सारा दिन काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, इस मुल्क के लिए काम करते हैं, दिन के अंदर 1 घंटा अपने लिए जरूर निकाला करें, वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें, ये आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। दूसरा, जो खुराक है ये आप अपने लिए खा रहे हैं, आप खुराक के लिए ज़िंदा नहीं रह रहे, खुराक आप अपने लिए खा रहे हैं, वो चीज़ खाएं जो कि हेल्दी है और लेट एज के अंदर आपको हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का मुंह ना देखना पड़े। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आतिफ, बहुत शुक्रिया। आप अच्छी डाइट खाएं, अपना ख्याल रखें, और अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको और भी मेहमानों से मिलवाएंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।